नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ बाई सार्सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो 10 तारीख को जो SSC डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था उसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करी, बहुत सारी बुक स्टडी की, लेकिन इतना उसमें से इतना बेनिफिट नहीं था। तो अगर बात की जाए तो हमें क्या पढ़ना चाहिए आगे वाले एग्जाम के लिए, या इस एग्जाम में क्या था, हम आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो 10 तारीख का एग्जाम था उसमें मैथ के पोर्शन में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो जो कंपटीशन बुक थी उसमें से बहुत कम थे, बहुत ही कम थे। मैं बात करूँ तो जो 9th क्लास का पहला मैथ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 9th क्लास के जो मैथ की बुक है उसमें टॉपिक नंबर दो वो मैथ का है पोनोमिल्स, यानी कि बहुपद, हिंदी बोले तो बहुपद। सेकेंड टॉपिक है 9th क्लास में पोनोमिल्स। दोस्तों, मैं कहता हूँ आगे आने वाले एग्जाम में भी इस टॉपिक को आप बिल्कुल क्लियर करके जाएं, क्योंकि जो 9th क्लास का सेकेंड टॉपिक है पोनोमिल्स उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट आए हुए हैं इस एग्जाम के अंदर। तो आगे भी इन टॉपिक से आने क्वेश्चन की संभावना है। तो 9th क्लास का टॉपिक नंबर 2 और 10th क्लास का भी टॉपिक नंबर 2 दोनों ही पोनोमिल्स के ऊपर है, यानी बहुपद के ऊपर है। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूँ जिसका आज एग्जाम है, यानी 11 तारीख को एग्जाम है, आगे 17 या 18 का एग्जाम है, तो दोस्तों जिनका 17 या 18 का एग्जाम है वो 9th क्लास का टॉपिक 2 और 10th क्लास का मैथ का जो टॉपिक 2 है, यानी कि जो पोनोमिल्स है, उन दोनों को क्लियर करके एग्जाम में जाएं। इन दोनों से क्वेश्चन कम से कम भी 4 क्वेश्चन बने हैं, दोनों से 4 क्वेश्चन। दोस्तों, 2 टॉपिक से 4 क्वेश्चन, इन 4 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। और जिस भी दोस्त को अगर 9th क्लास का या 10th क्लास का मैथ नहीं आता हो, ये टॉपिक नहीं आते हो, तो अपने किसी सीनियर से या किसी टीचर से 1 या 2 दिन के लिए 2 टॉपिक पढ़ ले बस, तो 4 नंबर कंप्लीट है। इन दोनों टॉपिक में से 4 नंबर कंप्लीट है। दोस्तों, आगे थोड़ी बात करते हैं और 9th क्लास का, और 9th क्लास में मैं आपको बताता हूँ टॉपिक नंबर 2 जो है पोनोमिल्स में 2.2 और 2.3 दोनों ही एक्सरसाइज क्या है, इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही अच्छे से तैयार करके जाना। अगर पूरा टॉपिक नहीं हो तो 2.2 और 2.3 9th क्लास का टॉपिक नंबर 2 पोनोमिल्स, उसका जो एक्सरसाइज है टॉपिक नंबर 2 उसकी 2.2 और 2.3 दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। अब बात करते हैं 10th क्लास के कुछ टॉपिक की। तो 10th क्लास का टॉपिक नंबर 2 और 9th क्लास का टॉपिक नंबर 2 दोनों सेम ही है, पोनोमिल्स के ऊपर है, दोनों कंप्लीट करने हैं। उसके बाद 10th क्लास में आते हैं, 10th क्लास का जो टॉपिक नंबर 7 है, 7 से पहले बात करें 5 की। 5 का जो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये जो कुछ दिन पहले हरियाणा में लेफ्ट एंडर का जो पेपर था उसमें भी इस पे क्वेश्चन बना था, और अभी डी ग्रुप का इसमें भी इससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बड़े क्वेश्चन नहीं करने, बिल्कुल 5.1 की जो एक्सरसाइज है, 5.1 यानी 5.1 है 10वीं क्लास का मैथ है, उसके अंदर हिंदी में समांतर श्रेणी टॉपिक है या इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी एक्सरसाइज 5.1 ही केवल आपको करनी है, 5.1 ही करनी है। जोर मार के दोस्तों उसमें 10 या 12 क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आ सकते हैं, तो ध्यान रखना 10वीं क्लास का मैथ का टॉपिक, टॉपिक नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसकी 5.1 एक्सरसाइज एग्जाम में अच्छे से करके जाए, आगे आपको 100% यहां से क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि जो पीछे एग्जाम हुआ था उसमें भी लैब अटेंडेंट का था, उसमें भी अरिथमेटिक यानी कि AP है या नहीं है इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, और आज जो डी ग्रुप हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी AP है। दोस्तों, AP के ऊपर थोड़ा बताऊंगा शॉर्टली, जो AP है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, यानी बीच का जो अंतर है, सिंपल भाषा में सभी टर्मों के या सभी पदों के बीच में समानांतर होना चाहिए, इसीलिए इसको हिंदी बोला था समानांतर श्रेणी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि 5 2 7 7 8 2 9 9 2 11 11 2 13 एक AP है, लेकिन मैं बात करूं 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दूनी 80, ये दोस्तों समांतर श्रेणी नहीं है, ये गुणोत्तर होती है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, एक बार फिर बताता हूं 10वीं क्लास का टॉपिक नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 इसको एग्जाम में बैठने से पहले जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों अगले टॉपिक जाते हैं, टॉपिक नंबर 7 5 के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ज्यामिति के ऊपर है सारा। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोस्तों, उसके अंदर जो हमारे निर्देशांक होते हैं या
ऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं यानी जो एक्स के बिंदु होते हैं उन पे होता है मोस्टली भी, एक्स के ये बिंदु है, वाई के ये बिंदु है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आवा था, तो ये टॉपिक भी दूर देना। और इसमें तो क्वेश्चन में था इस टॉपिक में से, वो दूरी यानी डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर आया था, दूरी सूत्र है 7.1 और 7.1 में 8 क्वेश्चन सेम टू सेम है दोस्तों, 10वीं क्लास के मैथ में से टॉपिक नंबर 7 के अंदर से 7.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम डी ग्रुप में आया हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से करके जाना, एक बार दोबारा बता रहा दोस्तों, 10वीं क्लास के मैथ में से टॉपिक नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम है, तो आगे भी यहां से आने की संभावना पूरी पूरी है दोस्तों। तो 10वीं क्लास का टॉपिक नंबर 7 भी जरूर आप करके जाना। उसके बाद दोस्तों आगे कुछ बात करते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है 15 का दोस्तों, प्रोबेबिलिटी के ऊपर आया था। प्रोबेबिलिटी संभावना होती है किसी चीज के होने की या न होने की, और अगर बात की जाए दोस्तों किसी की संभावना या तो होती है या वो नहीं होती है, यानी कि मैं बात करूं किसी में 0.5 है संभावना होने की तो उसमें न होने की 0.5 है, अगर 0.4 है किसी चीज के होने की तो न होने की संभावना है 0.6, एंड टोटल सम होता है एक, किसी भी वस्तु की प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो एक होता है दोस्तों। अब उसके बाद एक टॉपिक और है हमारा, टॉपिक नंबर 8 क्लास 10, क्लास 10 का दोस्तों टॉपिक नंबर 8 है वो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, और ट्रिग्नोमेट्री नाम से ही बहुत सारे बच्चों को डर लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया था कि भी एम कोट थीटा बराबर है एन और आगे ए साइन को साइन ऐसे करके बच्चों को डरा दिया गया दोस्तों, लेकिन इसमें डरने की बिल्कुल भी बात नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, अगर आप थोड़ा इसको बेस अच्छे से कर लोगे तो, यानी ये 5 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन था जिसकी प्रैक्टिस हो तो अच्छे से। तो दोस्तों 10वीं क्लास का टॉपिक नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में से मैं आपको ये कहता हूँ कि पूरी एक्सरसाइज मत करो आप, जो 8.1 है दोस्तों, 8.1 में आई थिंक 10 क्वेश्चन भी शायद नहीं होंगे, इतना क्लियर याद नहीं मेरे को, तो 8 या 10 क्वेश्चन सारे 8.1 के अंदर 10वीं क्लास के मैथ में दोस्तों केवल और केवल 8 या 10 क्वेश्चन है, उनमें से आपको जोर मार के 5 या 6 प्रश्न कर लो लगभग, वो एक या दो टाइप के हैं सारे, तो आसानी से आपके क्वेश्चन इससे निकल जाएंगे दोस्तों। एक बार दोबारा बोलता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना, 10वीं क्लास का टॉपिक नंबर 8 और 8 में से 8.1 करनी है दोस्तों, आपको 8.2 नहीं करनी है, वो आपके इस लेवल के नहीं है, वो थोड़ी अपर लेवल की है। तो 10वीं क्लास के दोस्तों टॉपिक हो गए सेकेंड टॉपिक, उसके बाद 5वां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद 7वां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद आता है 8वां ट्रिग्नोमेट्री, 8 के अंदर से केवल 8.1 ही करनी है दोस्तों, इसी प्रकार के 7 के अंदर से 7.1 कर लो, 7.2 बहुत लेंथी हो जाती है, और 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेस वही करनी है दोस्तों आपको, बिल्कुल जोर मार के यानी टॉपिक बन गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एक टॉपिक बने दोस्तों, 5 में से अगर जोर दे के 30 क्वेश्चन होंगे जोर मार के जो आप करने हैं, 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं है दोस्तों। तो ये जो मैंने टॉपिक बताया अगर आप इनकी तैयारी अच्छे से करते हो दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ 5 नंबर आपके कंप्लीट है, 5 या लेकर 6 यानी 10 में से 6 नंबर आपके कंप्लीट है, इन 5 टॉपिक करने से आपके 5 या 6% बिल्कुल एग्जैक्ट कर पाओगे, और ज्यादा ये इतने मैं बोलूँ इनको जितने हार्ड नहीं, ये बिल्कुल आसान है, एपी वाला तो इतना आसान है दोस्तों कि आप एक बार उसको सब क्वेश्चनों कर लोगे तो ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये मेरा क्वेश्चन आगे छूटेगा। तो ये दोस्तों इस कल वाले पेपर का एनालिसिस था, और मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि ताकि आप जो आरएस अग्रवाल है ज्यादा उसके पीछे मत भागो, क्योंकि कहीं पर भी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि आपको लाभानी क्षेत्रफल या इतना बड़ा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, या मोस्ट की बात करें इतना कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं था, एलिशियम ऐसा कोई भी टॉपिक उन्होंने शामिल नहीं कर रखा, तो संभावना ये होती है दोस्तों हम कोई भी डिश लेते हैं पीछे वाले एग्जाम के ऊपर लेते हैं, और पीछे वाले एग्जाम से साफ दिखाई दे रहा है कि आपको 9वीं और 10वीं क्लास के जो 5 या 6 टॉपिक है वो आपको जरूर करने हैं दोस्तों, जरूर करने हैं अगर आपको इस एग्जाम में सक्सेस लेनी है। तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए,
अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।